हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो मैं हूँ अपर्णा और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं बाहर कुछ सामान लेने और फिर सामान लेकर आएंगे और आज होगी हमारी, बाद में बताएंगे, नहीं तो आप तो यहीं छोड़ दोगे ना हमारा व्लॉग। तो इस व्लॉग में आने वाला है बहुत मज़ा और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है ना बहुत हाई है और आप मेरे फेस में क्लियरली देख सकते हो कि भाई खतरनाक वाला पसीना आ रहा है। तो अभी चलते हैं बाहर और इस पसीने के साथ मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। चलो चलते हैं। सामान तो ले लिया है हमने, लेकिन अभी मैं क्या बोलते हैं घर जा कर के कुछ करने वाली हूँ, क्योंकि यार बहुत दिनों से मेरी गड्डी की सफाई हो नहीं पा रही थी, तो आज हम करेंगे सफाई। गाइस, मैं यहाँ पर अभी अपनी गाड़ी साफ़ करने वाली हूँ क्योंकि बहुत गंदी हो गई है यहाँ पर, बरसात चालू हो गई है, तो यहाँ मेरे घर साइड तो खास कर बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो मेरी गाड़ी हद गंदी हो गई थी, तो अभी आपको दिखाऊंगे कितने ज़्यादा गंदी है, उसके बाद फिर मैं साफ़ कर दूँगी इसको बहुत अच्छे से और फिर हम आपसे बात करते हैं। बाय।
मैं नहा कर आ गई हूँ, लेकिन यार यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी ना कि नहाने के बावजूद भी मेरा पसीना टपक रहा है बहुत ज़्यादा वाली। तो अभी एक्चुअली मैंने 2-3 दिन पहले ही मैंने कुछ स्केचेस बनाई थी, तो मैं इनको फाइल में कर दूँगी। अभी तो ऐसी है मेरे पास, बुक के पेजेस के बीच में रख देती हूँ। बट पहले भी मेरे पास 1-2 फाइल्स थी जिसमें मैं अपनी पेंटिंग और ड्राइंग के कलेक्शंस रखती थी, बट घर शिफ्ट होने के चक्कर में वो फाइल्स कहीं घूम गई हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, तो ढूंढूंगी उसको जब थोड़ा बहुत मतलब सेट करेंगे घर को। अभी तो ऐसा है ना कि थोड़ा थोड़ा हर कॉर्नर में सेट कर रही हूँ, बट अभी ऐसा है ना कि वो मिल ही नहीं रहा है। मैंने इतना सेट करने की मतलब हर चीज़ खोली बट फिर भी नहीं मिल रहा, क्या पता वहीं छूट गई है क्या है, नहीं मुझे तो मिला ही नहीं वो मुझे। और फिर मैंने सोचा कि यार उसी की दुखद याद में कुछ स्केचेस बनाए मैंने, क्योंकि स्केचेस बनाने का मुझे ज़्यादा शौक सा चढ़ गया इस टाइम पे। तो स्केचेस मैंने बना लिए और ऐसे वैसे भी नहीं, 2-3 बनाए मैंने। बट देखो अभी कुछ ऐसे प्लान्स बन रहे थे कि हाँ ऐसा करेंगे। एक्चुअली मेरे साथ होता है कि आप लोग के साथ भी होता, मुझे नहीं पता, बट खासकर मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे साथ पता क्या होता है कि मैं कुछ ही सोचती हूँ, कोई काम करना है, मैं सोच रही इसको इस स्टेप से मैं इस प्रोसेस के थ्रू करूँगी काम। तो वो क्या होता है कि अगर मैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 तक ही हमारा काम कंप्लीट होगा, ये प्रोसेस होगी हमारी, तो मेरे साथ खासकर क्या होता है स्टेप 1 के बाद स्टेप 4 हो जाता है और स्टेप 2 और स्टेप 3 मैं खा जाती हूँ। और क्या पता कहाँ ही जाता है वो चीज़, मतलब लिटरली क्या पता क्यों मैं कुछ अच्छा बनाना चाहती हूँ और बन कुछ और जाता है, या फिर मैं पोटेंशियल बोलते ना एक एफर्ट्स मारने का टाइम होता है, या नहीं एफर्ट्स मारने का वो राइट वे या राइट डायरेक्शन नहीं पता है मुझे कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, या ऐसा कुछ होता है मेरे साथ, बट नहीं पता यार जो चीज़ जहाँ मिलता ना एक राइट वे में करनी चाहिए वो चीज़ शायद मैं नहीं कर पा रही, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कुछ चेंजेस या कुछ ऐसा लाना पड़ेगा ज़रूर, तो करेंगे। तो देखो गाइस अभी तो ऐसा है ना कि ये व्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था और मैं कॉलेज वगैरह गई थी तो बुक इशू तो नहीं हो पाया। अभी मेरे थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, थर्ड ईयर स्टार्ट यानी कि सबसे बड़ा टेंशन कि थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर उसके बाद जॉब रहती है या हायर स्टडीज़ रहता है या फिर आपको क्या करना है अपनी लाइफ में वो रहता है। तो सबसे मेन चीज़ तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है भाई, मेरे को टेंशन होने लगी क्या करेंगे क्या नहीं। और मेरे साथ साथ मेरे क्लासमेट्स और मतलब जो मेरे साथ वाले मेरे एज के लोगों के साथ जो क्या गुजरती है वो खुद ही रिलेट कर सकते हैं। तो भाई अभी वो टाइम आ गया कि भाई अब मस्ती वस्ती तो ठीक है यार, वो बोलते ना मंथ में एक बार, वीक में एक बार, ऐसा बोल सकते हैं, बट ये टाइम ऐसा है कि हाँ यार मंथ में एक बार मस्ती कर ली वो बेस्ट है, बट यार काम में जुट जाओ नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, क्योंकि
ये टाइम हम सोचते कि यार मस्ती कर ले, बाद में कर लेंगे जो करना होगा, बट नहीं यार, मस्ती में ही पूरा टाइम चला जाता है। और अभी मैं आपको बता दूँ कि देखिए, हमारे क्लब में होने वाला है अभी टूर्नामेंट, इंटर KTC टूर्नामेंट। तो आपको पता नहीं होगा क्योंकि हमारा जो KTC है ना, पहले लगभग 10 साल से हमारा KTC सिर्फ KTC के बच्चों में ही टूर्नामेंट कराता था। मतलब KTC के बच्चे जो रहते थे अंदर, मतलब क्लब के बच्चे, उनके बीच में होता था ये टूर्नामेंट। लेकिन फर्स्ट टाइम KTC टूर्नामेंट होने वाला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मतलब कि हमारे जबलपुर के ही लोग आने वाले थे, मतलब जबलपुर के जितने क्लब है वो मिलकर ये मतलब टूर्नामेंट में आते हो, फिर पार्टिसिपेट करते, ऐसा कुछ होने वाला था। लेकिन फर्स्ट टाइम ना डिस्ट्रिक्ट हुआ ना कुछ हुआ, डायरेक्ट ये टूर्नामेंट स्टेट लेवल पे हो रहा है। और बहुत ही ह्यूज पैरामीटर्स में होने वाला, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, और इसकी तैयारियों में मेरा भी हाथ है। मेरा भी नहीं, मतलब यार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहयोग हम भी कर रहे हैं, और पूरा काम तो मेरे सर, मेरे पूज्यमान गुरुजी कर रहे हैं, और मेरे छोटे छोटे से जूनियर्स बहुत ही मन लगा करके काम कर रहे हैं और लग गए हैं। और प्रैक्टिस तो जोर शोर से चल रही है, आपको दिखाई जाएगी वो प्रैक्टिस भी। तो देखो, ऐसा है ना कि जो टूर्नामेंट है वो शायद आपको मैं लाइव कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन